हेलो प्यारे छात्रों, आज आप लोगों को प्रश्नावली 3.3 का तीसरे नंबर के सभी सवाल क्रमशः बताए जाएंगे। तीसरा नंबर जो कह रहा है, इन समस्याओं से रैखिक समीकरण युग्म बनाइए व उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा का पहला नंबर है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं हैं, मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्न अनुसार प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, प्रथम शर्त अनुसार दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर बराबर 26। तो पहली संख्या दूसरी संख्या है, इनका अंतर यानी घटाना, पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा लीजिए और चाहे दूसरी संख्या से पहली संख्या घटा लीजिए, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, बराबर 26। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या हमने घटाया तो x माइनस वाई बराबर 26, ये हो गया हमारा समीकरण एक। द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे, अब द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दोनों संख्याओं को बराबर किया जाए। अब कौन संख्या किसकी 3 गुनी है, इसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है, जिसका 3 गुना कर लीजिए। तो मान लीजिए कि यह संख्या इसकी 3 गुनी है, तो इसका 3 गुना कर लीजिए, बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया समीकरण दो। समीकरण एक में x बराबर 3y मान रखने पर लिखेंगे, समीकरण एक में x बराबर 3y रखने पर, तो उतार लीजिए x माइनस वाई बराबर 26, तो x जगह 3y रखना है, तो 3y माइनस वाई बराबर 26, तो 3y से y घटाइए कितना आएगा, 2y और बराबर 26, 2 बटन चला जाएगा तो y बराबर 26/2 हो जाएगा, 2 से 26 कट जाएगा, तो 2 एक कम 2, 2 3 6, तो y बराबर 13। अब y का मान समीकरण एक पर रख दीजिए चाहे दो में रख दीजिए, तो समीकरण दो में रख लेते हैं, 3 गुना कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। y का मान समीकरण दो में रखने पर, तो उतार लीजिए x बराबर 3y, तो x बराबर 3 × 13, y का मान 13 आया है, गुणा करा लीजिए, 13 का 3 में 13 दिया 39, अतः पहली संख्या क्या माने थे x, तो x का मान कितना आया 39 और दूसरी संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या y माने थे, तो y का मान हो गया 13 आंसर। एक बार फिर से दोहरा लीजिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, यहाँ कोई दूसरा कोई चर पद भी मान सकते थे, जैसे कि PQ के रूप में मान सकते हो, AB के रूप में मान सकते हो, इसमें कोई आपको जो है बाउंडेशन नहीं है कि आप x y ही माने,
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से चर पर मान रहे हैं। तो पहली संख्या हमने x माना, दूसरी संख्या y माना। प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दोनों संख्याओं का घटाना यानी x से y घटाएंगे तो 26 के बराबर हो जाएगा, यह समीकरण एक हो गया। फिर द्वितीय शर्त अनुसार एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, तो x बराबर y है तो तिगुना इसको कर दीजिए, x बराबर 3y रख दिया जाए समीकरण एक में, तो x माइनस y बराबर 26, तो 3y माइनस y बराबर 26, तो 3y से y घटाएंगे 2y बराबर 26, तो 2 बटन चला जाएगा, 2 से 26 कट जाएगा, 13 आ जाएगा, तो y बराबर 13 आ गया। y का मान चाहे समीकरण एक में रख दीजिए चाहे दो में रख दीजिए, दो में रखने में आसानी रहेगी क्योंकि तीन गुणे 13 हो जाएगा 39, 39। तो वही करते हैं, समीकरण दो में रख दिया जाए, x बराबर 3y गुणा हो गया, तो y का मान 3 रखने, y का मान 13 रखने पर गुणा हो गया, तो 39। अतः पहली संख्या हमने क्या माना, x, और x का मान 39 आ गया, और दूसरी संख्या y माना तो y का मान 13 आ गया आंसर। नोट कर लीजिए, वीडियो आप लोग पॉज कर लिया कीजिए, रोक लिया कीजिए, फिर नोट कर लिया कीजिए। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संपूरक कोण माना, पहला कोण बराबर x, दूसरा कोण बराबर y। संपूरक कोण की बात कर रहा है, तो प्रथम शर्त अनुसार संपूरक कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश। तो पहला कोण और दूसरा कोण ये दोनों संपूरक हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे, पहला कोण प्लस दूसरा कोण बराबर 180 अंश। तो पहला कोण x है, दूसरा कोण y है, बराबर 180 अंश, समीकरण एक हो गया। फिर आगे दिए हैं, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो द्वितीय शर्त अनुसार बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो x और y बराबर करना है। अब इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, तो इसमें जो है मान लीजिए कि बड़ा कोण है छोटा कोण है, यहाँ लिख देंगे x बड़ा कोण है और y क्या है छोटा कोण है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है या 18 डिग्री कम है, या तो आप अधिक वाले से कम कर लीजिए तो बराबर हो जाएंगे, या कम वाले को अधिक कर दीजिए, जितना ये अधिक है उतना इसको अधिक कर दीजिए, और चाहे जितना ये अधिक है उतना इसमें कम कर दीजिए। तो ऐसा करते हैं, इसमें हम इसको अधिक कर देते हैं, 18 डिग्री अधिक है या अधिक है तो ये कम है, तो 18 हमने इसमें बढ़ा दिया, ये हो गया समीकरण दो। समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक में x बराबर y प्लस 18 रखने पर, तो रखिए पहले उतार लीजिए, x प्लस y बराबर 180, तो x का मान है y प्लस 18, y और हो गया ये वाला बराबर 180, तो y में y जुड़ेगा, 2y प्लस 18 बराबर 180, 18 डिग्री लगा दीजिए, और फिर 18 उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 2y बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, 18 डिग्री घट जाएगा जाके, तो 2y बराबर 180 से 18 घटा लीजिए, तो 10 से 8 2 और 7 में से 1 घटाएंगे 6 और 1, तो y बराबर 2 बटन चला जाएगा 162 बटा 2।
दो से 162 काट दीजिए, दो एक कम दो, दो अठे 16, दो एक कम दो, तो y बराबर 81 आ गया। अब y का मान चाहे समीकरण एक में रख लो चाहे दो में रख लो, तो दो में रख लिया जाए क्योंकि इसमें फिर 18 बार जोड़ना रहेगा, आंसर आ जाएगा। तो समीकरण दो में y का मान रखने पर तो x बराबर y प्लस 18 डिग्री, तो x बराबर 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री जोड़ेंगे तो 99 डिग्री। तो देखेंगे आता है, पहला कोण बराबर x माने थे तो x मान कितना है 99 डिग्री। दूसरा कोण बराबर, दूसरा कोण बराबर y माने थे तो y का मान कितना आया है 81 डिग्री, 81 डिग्री आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी, बाद में उसने तीन बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपये, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये, आप इसमें कोई दूसरा चर पद भी मान सकते हैं, p रुपये q रुपये के रूप में, यह आप ऊपर डिपेंड करता है। प्रथम शर्त अनुसार प्रथम शर्त क्या कह रहा है, 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी, तो 7 बल्लों का मूल्य प्लस 6 गेंदों का मूल्य बराबर 3800 रुपये। सात बल्ले यानी 7x, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये, तो 7 बल्लों का 7 x में 7 को गुणा करा देंगे 7x, और 6 गेंदों का मूल्य, तो एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो 6 गेंदों का 6y बराबर 3800। कुछ कट रहा है? नहीं कटेगा, क्योंकि 7 6 3800 है, किसी भी पहाड़ से नहीं कटेंगे, इसलिए ये हो गया समीकरण एक। अब द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी, तो लिखेंगे 3 बल्लों का मूल्य प्लस 5 गेंदों का मूल्य बराबर 1750 रुपये, 1750 रुपये, 1750 रुपये। तो तीन बल्लों का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x है, तो 3 बल्लों का मूल्य 3 का गुणा करा दीजिए x में, 3x रुपये,
और पांच गेंदों का मूल्य, तो एक गेंद का मूल्य 1y रुपए है, एक गेंद का मूल्य 2y रुपए है, तो पांच गेंदों का मूल्य 5y रुपए है। पांच गुणा करा देंगे y में और ये दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा 1750। ये हो गया समीकरण दो। फिर लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक उतार लीजिए, 7x + 6y = 3800। तो 7x बराबर कितना आ जाएगा 3800 माइनस 6y, 6y को पक्षांतर कर दीजिए, फिर 7x बराबर 3800, ये 7 बटा ले जाइए तो 3800 माइनस 6y बटा 7, ये हो गया समीकरण तीन। एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर समीकरण दो उतार लीजिए, 3x + 5y = 1750। तो तीन कोष्ठक के अंदर ये पूरा पद रखेंगे, x जगह वाला 3800 माइनस 6y बटा 7 प्लस 5y = 1750। अब 3 से 7 तो कटेगा नहीं, तो 3 का अब इसमें गुणा करा देंगे कोष्ठक के अंदर, तो 3 का 0 कराएंगे 0, 3 का 0 कराएंगे 0, 3 का 8 कराएंगे 3 8 24, 3 का 3 कराएंगे 9, हासिल जो 2 बचा था उसमें जोड़ देंगे 11, और फिर 3×18y = 7+5y = 1750। नोट कर लीजिए क्योंकि मिटाना पड़ेगा, इधर अब लगाते हैं इसके आगे। बटा एक मान के लासा ले लीजिए, 7 1 का लासा 7, 7 का 7 में भाग देंगे 1 आएगा, गुणा कराएंगे 1 का तो यही रहेगा 11400 माइनस 18y, और 1 का 7 में भाग देंगे तो 7 आएगा, गुणा कराएंगे 7 × 35 प्लस में 35y = 1750। 7 बटा वाला गुणा चला जाएगा तो 11400, 35y से 18y घट जाएगा तो घटा दीजिए, 17y आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह तो 35 बड़ी संख्या प्लस में, और 7 बटा वाला उधर भेजेंगे तो 1750 × 7, 7 गुणा करा लीजिए, 7 0 0 7 × 35 हासिल लगा 3, फिर 7 × 50 में 3 जोड़ेंगे 52, हासिल लगा 5, फिर 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 12, 11400 + 17y, 11400 उधर भेज देंगे तो 17y = 12250 माइनस 11400, तो घटा लेंगे अब 17 बटा ले जाएंगे तो वाई बराबर 0 0 घटाएंगे 0, 5 से 0 घटाएंगे 5, 2 से 4 घटेगा नहीं, 12 से 4 घटाएंगे 8, अब फिर 1 में से 1 कुछ नहीं बचेगा, और बटा 17, फिर 17 5 85, तो 17 काट दीजिए, 17 × 17 = 17, 17 5 = 85, अब 1 0 50, तो y = 50। अब y का मान समीकरण 3 रख लीजिए, चाहे 1 रख लीजिए, चाहे 2 रख लीजिए, तो समीकरण 3 रखा जाए,
इसको मिटा दे रहे हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है x बराबर 3800 माइनस 6 बुढ़े 50 भागे 7, तो 3800 माइनस 6 पंचे 30 हो गया 1 0 और 300 भागे 7, 3800 से 300 घटा लीजिए तो 3500 भागे 7, फिर 7 से काट दीजिए, 7 × 7 7 × 35 और 2 0 तो आ गया 500। x का मान आया 500, तो हमने क्या माना था, एक बल्ले का मूल्य x रुपये, एक बल्ले का मूल्य हो गया 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य हो गया 50 रुपये। तो लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर 1 रुपये, तो 1 रुपये का मतलब 500 रुपये। एक गेंद का मूल्य बराबर 2 रुपये माने हैं, y का मतलब 50 रुपये आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो मानेंगे, माना नियत भाड़ा बराबर 1 रुपये, प्रति किलोमीटर भाड़ा 2 रुपये। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या कह रहा है? 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो लिखेंगे नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा बराबर 105 रुपये। जो फिक्स है, जो उसको देना है, जो भाड़ा उसको देना है वो तो देना ही देना है, और साथ में जितना किलोमीटर वो आगे जाएगा वो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। बात समझ रहे हैं? 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, अर्थात जो फिक्स है, जैसे मान लो कहा जाए 50 रुपये तो तुम आपको देना ही देना है, और इसके बाद यदि आप हर किलोमीटर जा रहे हैं 10 किलोमीटर मतलब जा रहे प्रति किलोमीटर जा रहे हैं तो उसका भाड़ा आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो इसमें देख रहे हैं प्रथम शर्त अनुसार नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर का भाड़ा, तो नियत भाड़ा क्या माने हम? 1 रुपये, 1 किलोमीटर का भाड़ा 2 रुपये, प्रति किलोमीटर मतलब हर 1 किलोमीटर में जो 2 रुपये दे रहे हैं तो 10 किलोमीटर तक गया है वो, तो 1 किलोमीटर का 2 रुपये दे रहा है तो 10 किलोमीटर का कितना देगा भाड़ा? 10 2 रुपये, वाई में 10 का गुणा हो जाएगा, 10 y बराबर 105। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार।
द्वितीय शब्द क्या कह रहा है? तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है, तो नियत भाड़ा जो फिक्स है वो तो देना ही देना है, और प्लस 15 किलोमीटर जाने का भाड़ा और देना होगा उसे, और टोटल कितना देना होगा उसे? 155 रुपया। तो नियत भाड़ा कितना है जो फिक्स है? 100 रुपये। 1 किलोमीटर का भाड़ा है 22 रुपया, तो 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा? 15y = 155। ये हो गया समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो x + 10y = 105। 10y को पक्षांतर कर दीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा? 105 - 10y। ये हो गया समीकरण 3, समीकरण 3 हो गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 उतार लीजिए, तो x + 15y = 155। तो x का मान कितना है? 105 - 10y, तो रख लीजिए 105 - 10y प्लस का 15y = 155। तो 105 भेज दीजिए, 15y से 10y घट जाएगा, 5y = 155 - 105। तो ये 5y = कितना आ जाएगा? घटा लीजिए 50 हो जाएगा, तो y = 50/5। 5 से काट दीजिए, 5 × 5 = 50, यानी 10। y का मान आ गया 10। अब y का मान समीकरण 3 रखिए, चाहे 1 रखिए चाहे 2 रखिए, तो समीकरण 3 रख लेते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 उतार लीजिए, x = 105 - 10y, तो 105 - 10 × y का मान कितना है? 10। तो 105 - 10 = 100, तो 105 से 100 घटाओ कितना आएगा? 5 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः नियत भाड़ा बराबर, नियत भाड़ा बराबर 100 रुपये माने हैं, 100 रुपये, तो x का मान कितना है? 5 रुपये, यानी ये जो फिक्स किराया ले रहा है 5 रुपया, और इसके बाद में 1 किलोमीटर जाने के आगे 1 किलोमीटर जाने के लिए 10 रुपया, यानी प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपये बढ़ता चला जा रहा है उसका, तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर y रुपये माने थे, तो y का मान कितना आ गया? 10 रुपये। फिर आगे कह रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो पहले इसको नोट कर लीजिए फिर आगे इसको निकालते हैं। तो लिखेंगे व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए, की यात्रा करने के लिए भाड़ा देना होगा बराबर, भाई जो फिक्स है नियत भाड़ा वो देना ही देना है, और प्लस 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो
तो नियत भाड़ा कितना है? 5 रुपये। 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना आ गया? 10 रुपये। तो 25 किलोमीटर किराया, तो गुणा करा देंगे 10 रुपये का, तो 5 रुपये प्लस 250, 250 रुपये जोड़ देंगे तो 255 रुपये। आंसर। बात समझ गए भाई? 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा, जो फिक्स है उसको देना ही देना है, 5 रुपये देना है। 25 किलोमीटर यानी हर किलोमीटर का 10 रुपये ले रहा है, तो 25 किलोमीटर का 250 गुणा करा देंगे 25 का 10 में, और नियत भाड़ा में इसको जोड़ देंगे, टोटल 255 रुपये उसको देना पड़ेगा। 5वां है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगी? x/y। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो भिन्न क्या है? x/y। x/y में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो +2 इसमें जोड़ दिया जाए, +2 इसमें जोड़ दिया जाए, 2 इसमें 2 इसमें, तो वह 9/11 हो जाती है। तिरछा गुणा करा दीजिए, 11 का इसमें गुणा हो जाएगा, 9 का इसमें हो जाएगा, तो 11x+2=9y+2। 11 का कोष्ठक के अंदर गुणा करा दीजिए, तो 11 का x में कराएंगे कितना आएगा? 11x, 11 का 2 में कराएंगे 11 × 2=22, 9 का y में कराएंगे 9y, 9 का 2 में कराएंगे 9 × 2=18। अब xy एक तरफ कर लेते हैं, अचर पद एक तरफ कर लेते हैं, तो 11x - 9y इधर आ जाएगा, 18 - 22 उधर चला जाएगा। भाई 9y इधर लाएंगे तो माइनस का चला जाएगा, और 22 प्लस का है उधर भेज देंगे अचर पद की तरफ, तो माइनस का वही चला जाएगा। तो 11x - 9y इसको इसी तरह लिखा होने दीजिए, ये दोनों घट जाएंगे तो घटा दीजिए, तो 22 से 18 घटाएंगे तो 4 आएगा, बड़ी संख्या चिन्ह माइनस के, तो -4। समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है? यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यहां से लिख लीजिए अंश व हर दोनों में 2 जोड़ने पर, इसमें लिख लीजिए अंश व हर दोनों में 3 जोड़ने पर, तो भिन्न क्या है? x/y, दोनों में 3 जोड़ दीजिए, बराबर किसके हो जाएगा? 5/6 के। तिरछा गुणा करा लीजिए, 6 का इसमें हो जाएगा x+3 में, और 5 का y+3 में हो जाएगा, तो 6x+3 5y+3। अब 6 का कोष्ठक के अंदर गुणा करा दीजिए, तो 6 का x में कराएंगे क्या आएगा? 6x। 6 का 3 में गुणा कराएंगे कितना आएगा? 6 × 3=18। फिर 5 का कोष्ठक के अंदर गुणा करा दीजिए, 5 का y में कराएंगे 5y, 5 का 3 में कराएंगे 5 × 3=15। अब xy एक तरफ कर लिया जाए और अचर पद एक तरफ कर लिया जाए, तो 6x - 5y आ जाएगा, इधर आएगा, तो प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस चिन्ह छिपा हुआ है,
18 उधर भेज देंगे तो 15 अभी माइनस का 18, 18 माइनस 15 ना लिखिएगा, क्योंकि हम 18 का पक्षांतर कर रहे हैं ना कि 15 का। तो 15 अपनी जगह पे ही रहेगा, 18 माइनस का जाएगा। चलिए 18 से 15 घटा लीजिए तो कितना आएगा, 3 आएगा, बड़ी संख्या चिन्ह 18 माइनस के, तो माइनस लगा दीजिए। समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 से तो 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4, 9y को भेज दीजिए उधर, तो 11x बराबर माइनस 4 प्लस का 9y हो जाएगा, और फिर x जो 11 का गुणा है बटम चला आएगा, तो माइनस 4 प्लस 9y बटा 11, समीकरण हो गया 3। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 उतार लीजिए, 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। तो 6x का मान माइनस 4 प्लस 9y बटा 11 माइनस 5y बराबर माइनस 3। तो 6 का गुणा करा दीजिए अंदर, तो माइनस प्लस माइनस, 6 चौके 24, फिर प्लस 6 9 का 54 y बटा 11 और माइनस 5y बराबर माइनस 3। अब इसको पूरा नोट कर लीजिए, अब इसके मिटा करके आगे बताते हैं। तो इसमें जो है बटा एक मान लीजिए और 11 एक कलासा लेंगे, कितना आएगा, 11 ग्यारह का 11 भाग देंगे, 1 आएगा, फिर 1 का दोनों में कराएंगे गुणा दोनों पदों में, तो 24 एक कम 24 और प्लस 54y और फिर माइनस का चिन्ह है, 1 का भाग 11 में देंगे तो 11 आएगा, 11 का 5 गुणा करा दीजिए तो 11 पचे 55y बराबर माइनस 3। तो माइनस 24 ये दोनों घट जाएंगे, तो 55y से 4y घटाएंगे कितना आएगा, वो 55y से 54y घटाएंगे तो कितना आएगा, 1y आएगा, तो 1 लिखा नहीं जाएगा तो y आएगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का, 55 बड़ी संख्या है माइनस के, तो इसलिए माइनस लगा दीजिए, और बटन 11 उधर भेज दीजिए तो माइनस 3 और गुणा में 11 चला जाएगा, क्योंकि तो भाग का उल्टा गुणा होता है, माइनस 24 माइनस वाई बराबर माइनस 33, माइनस 24 को भेज दीजिए तो माइनस वाई बचेगा इधर, माइनस 33 प्लस का 24 हो जाएगा, और माइनस वाई बराबर दोनों घटेंगे तो माइनस का 9 आएगा, 33 से 24 घटाएंगे 9 आएगा, और बड़ी संख्या चिन्ह माइनस के, दोनों तरफ माइनस माइनस है कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बराबर 9 आ गया। अब वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर माइनस 4 प्लस 9y बटा 11, पहले इसको उतार लेंगे तो x बराबर माइनस 4 प्लस 9 और गुणे 9 कर देंगे, क्योंकि 9 ये वाला और y का मान भी 9 आया है, और बीच में गुणा चिन्ह है, 9y के बीच में गुणा चिन्ह है, और बटा 11 तो माइनस 4 प्लस 9 ने 9 का 9 कराएंगे तो 9 9 में 81 और बटा 4, 81 से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 77 आएगा, अब बटा 11, 11 से काट देंगे इसको, 11 क्यों 11, 11 सत्तर 77, तो x बराबर 7 आ गया, अतः भिन्न बराबर x बटा वाई था, तो x का मान हो गया 7, लिख दीजिए x बटा वाई, तो x का मान हो गया 7, y का मान हो गया 9 आंसर।
नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो मानेंगे, माना जैकब की आयु बराबर एक्स वर्ष, उसके पुत्र की आयु बराबर वाई वर्ष। प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे, माना जैकब की आयु बराबर वर्तमान आयु, जब माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष, उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर 5 जोड़ दीजिए x प्लस 5 वर्ष, उसके पुत्र की आयु, वाई वर्ष है तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष और जोड़ दीजिए, तो दोनों को बराबर करना है, x प्लस 5 बराबर वाई प्लस 5। तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो जैकब की आयु पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 गुना है, बराबर करना है। मान लो 45 साल का है तो 15 साल का है, 15 या 45 पुत्र की आयु में 3 गुना करने पर पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 5 बराबर 3 का गुणा करा दीजिए, 3y और 3 × 15, 3y इधर लीजिए माइनस का आ जाएगा, 5 उधर भेज दीजिए तो 15 है माइनस 5 हो जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त अनुसार द्वितीय शर्त है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु तो एक्स है, 5 वर्ष पूर्व तो 5 वर्ष घटा लेंगे, माइनस 5 एक्स, 5 एक्स माइनस 5 वर्ष, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु तो वाई वर्ष माने तो वाई माइनस 5 हो जाएगा, वाई माइनस 5 वर्ष, दोनों को बराबर करना है, बराबर तो ऐसे होंगे नहीं, पढ़ लेते हैं कंडीशन। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, 7 गुनी ज़्यादा है 7 गुनी कम है, छोटे वाले में हम 7 का गुणा करा दें तो छोटे वाले में 7 का गुणा करा दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यही करते हैं, 7 का गुणा करा दीजिए, हल कर लीजिए, एक्स माइनस 5 बराबर 7 का वाई कराएंगे 7y, 7 को 5 कराएंगे 7 × 35, तो 7y इधर लीजिए तो माइनस का आ जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो गया, और माइनस 35 है, 5 को उधर देंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, एक्स माइनस 7y बराबर दोनों घटेंगे तो माइनस का 30 आ जाएगा, 35 से 5 घटाएंगे 30 और बड़ी संख्या चिन्ह माइनस का, ये हो गया समीकरण 2। तो नोट कर लीजिए, तो आगे इसके बताया जाए क्योंकि अब जगह नहीं है, मिटाना पड़ेगा।
और लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से तो x माइनस 3y बराबर 10, तो x बराबर 10 प्लस 3y, 3y का पक्षांतर हो जाएगा, ये हो गया समीकरण तीन। समीकरण दो में x का मान रखने पर, समीकरण दो में x का मान रखने पर, तो समीकरण दो उतार लीजिए, x माइनस 7y बराबर माइनस 23, तो x का मान 10 प्लस 3y रख दीजिए, 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 23, 10 को उधर भेज दीजिए और दोनों घटा दीजिए, तो माइनस का 4y माइनस 30, अब माइनस का 10, 10 उधर माइनस चला जाएगा, तो माइनस 4y बराबर दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 40 आएगा, माइनस माइनस की संख्या है, माइनस 4y बराबर माइनस 4 उधर भेज दीजिए बटन चला जाएगा, तो 40 बटा माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 एक कम 4, 4 दम 40, तो y बराबर 10 आ गया। अब y का मान समीकरण तीन में रखिए, चाहे एक रखिए चाहे दो में रखिए, तो समीकरण तीन में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो उतार लीजिए समीकरण तीन, x बराबर 10 प्लस 3y, तो x बराबर 10 प्लस 3 गुणे 3y के बीच में 3 और y, 3 और y के बीच में गुणा चिन्ह है, तो y का मान 10, तो 3 गुणे 10, x बराबर 10 प्लस 10 यही 30, अब 30 में 10 जोड़ेंगे 40, तो x बराबर 40 आता है। जायकब की आयु बराबर क्या माने थे, x वर्ष, x का मान कितना गया 40 वर्ष, अतः जायकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तो बराबर बराबर 40 वर्ष। उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष माना है, तो y का मान कितना निकाले, 10, तो 10 वर्ष आंसर। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा समझाए गए सवाल समझ में आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे द्वारा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सगे संबंधियों व मित्रों को भी जो आपके साथ क्लास में हों उनको मेरा वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।